हेलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जाम इस्लामिया का एम कॉम के टू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है तो एक एक करके हम जो है सारे पेपर के क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे ठीक है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से अगर हम एम कॉम के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें तो इसमें जो है हंड्रेड एम क्वेश्चन आते हैं ये आपको याद रखना है ठीक है और वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग होती है ठीक है एंट्रेंस सिलेबस क्या रहता है इसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि आपको पता चल जाए एंट्रेंस सिलेबस क्या रहता है आपकी उसको प्रिपरेशन कैसे करनी है पर सबसे पहले आपको एंट्रेंस पेपर करना जरूरी है ठीक है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से ठीक है क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है कि मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्योंकि ट्रेजरी बिल सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट्स और कमर्शियल पेपर ये मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पी ई आर टी स्टैंड फॉर फुल फॉर्म बतानी थी सेकेंड का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी क्वेश्चन नंबर थर्ड सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू डिस्क्लोज कभी कभी क्या आ जाता है ईयर पूछ लेता है सेबी का सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 तो ये आपको पता होना चाहिए ईयर 1992 आइंटी सेबी एक्ट पूछ लेता है जो कौन से ईयर का है 1992, 3, 4, 5, 6. तो आपको पता होना चाहिए ईयर क्या है 1992 ये भी आपको पता होना चाहिए तो इसमें क्या ऑप्शन होगा हमारा सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू डिसक्लोज इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी क्वार्टरली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर स्टॉक एक्सचेंज तो स्टॉक इस एक्सचेंज इसमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं अब इसमें हमें चूज करना है हैल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ स्टॉक प्राइस ये भी ठीक है ऑप्शन इंश्योर सेफ्टी एंड फेयर डीलिंग तो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी सैबी क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मनी मार्केट रेगुलेटेड बाये आपको पता होना चाहिए मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है आरबीआई और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है सेबी ठीक है तो इसमें क्या पूछा है सेकेंडरी मार्केट फॉर शेयर से रिलेटेड पूछा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बी सेबी क्वेश्चन नंबर सिक्स अ कंपनी हैज अ हैजिक्स कॉस्ट दिस सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ब्रेक इवन क्वांटिटी इसमें हमारा जो है पूछा है तो ब्रेक इवन क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आप कर लेंगे फिक्स कॉस्ट आपको पता है कितनी है फोर्टी थाउजेंड कॉन्ट्रीब्यूशन आप निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आपका क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी तो सिक्स का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी फोर्टी थाउजेंड ठीक है इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिख जाए ठीक है वैसे ही मैंने आपको इसमें बता दिया बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर सेवन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू दी तो क्वेश्चन नंबर सेवन का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न ठीक है क्वेश्चन नंबर एट अब इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो क्वेश्चन नंबर एट का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी फाइव पॉइंट सेवन फाइव परसेंट देखिए इसमें क्या दे रखा है सिक्योरिटी एक्स दे रखी है हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है फाइव परसेंट स्टैंडर्ड एविएशन है फोर परसेंट ऐसे ही सिक्योरिटी वाई दे रखी है ऐसे आप इसको बना लेंगे आपको आता होगा ये क्वेश्चन वैसे सिक्योरिटी एक्स और वाई लिख लेंगे ऊपर यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन बना लेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे आप रिटर्न फाइव परसेंट की और वाई की एट ठीक है देन स्टैंडर्ड एविएशन आप लिखेंगे स्टैंडर्ड एविएशन कितना है एक्स का फोर परसेंट और वाई का कितना है आप इसमें देख लेंगे टेन परसेंट ठीक है उसके बाद वेट वेट आपको यहां पर देखिए मेंशन कर रखा है सेवन परसेंट इन्वेस्टमेंट जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप से देख पाएंगे नहीं तो मैं जल्द जो है एक वीडियो में सारे के सारे सॉल्यूशन करा दूंगा ठीक है ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन बी एस सी सेंसेक्स इज क्वेश्चन नंबर नाइन इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वह है बी थर्टी क्वेश्चन नंबर टेन टू की आस्पेक्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट्स आर टाइम एंड रिस्क तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर इलेवन एन इंस्ट्रूमेंट हुज़ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग असेट्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव तो यहाँ आप देखेंगे डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है तो फर्स्ट का इलेवन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव इट्स ऑनर द राइट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग असेट्स ऑन और बिफोर अ गिवन डेट एट अ प्री डिटर्माइंड प्राइस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड इज कॉल्ड मनी मार्केट क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी मनी मार्केट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन थ्री मेजर सोर्स ऑफ रिस्क बिजनेस रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी मार्केट रिस्क क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ रेशो विच रिफ्लेक्ट्स द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपीस ऑफ ई पी एस अर्निंग पर शेयर इज नोन एज फिफ्टीन का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कूड अर्न बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन फाइनेंशियल ऑफ इक्वेलेंट रिस्क इज कॉल्ड तो सिक्सटीन का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू देंज इन सेल इज रेफर्ड टू ए सेवनटीन का करेक्ट ऑप्शन क्या है बी ऑपरेटिंग लिवरेज क्वेश्चन नंबर एटीन फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फॉर्म्स आर गाइडेड बाई तो 18 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ दीज इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट्स तो 19 में अगर हम इसमें बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डी पेटेंट्स ठीक है बॉन्ड्स भी फाइनेंशियल असेट्स है शेयर्स भी हैं और लीज ऑब्लिगेशन भी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इस तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक है पार्ट वन में हमने जो है क्वेश्चन नंबर वन से लेकर ट्वेंटी तक के कवर करें बाकी नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे ट्वेंटी वन से ठीक है थैंक यू